ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनेश्वराय नमः। मित्रों, साल 2023 में 5 राशियां होगी बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली। माता लक्ष्मी की मिलेगी विशेष कृपा और स्वयं भगवान शनिदेव उनके ऊपर बरसाएंगे धन की बारिश। जी हाँ मित्रों, जैसे ही नया साल शुरू होता है ना, सभी लोगों के मन में जाने की इच्छा और उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर मेरा आने वाला नया साल कैसा होगा, क्या साल 2023 मेरे लिए अच्छा रहेगा या जैसा 2022 निकला वैसा ही रहेगा। सभी लोगों के मन में जाने की इच्छा रहती है कि साल 2023 में मेरे जो ये धन की परेशानी चल रही है ना, वो समाप्त होगी या नहीं, मेरे अच्छे दिन आएंगे या नहीं, आखिर क्या होगी मेरे साल 2023 की पोजीशन। मित्रों, कंप्लीट जानकारी जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर साल 2023 में कौन कौन सी राशियां जो है उनका फायदा होने जा रहा है, जिनके अच्छे दिन आने जा रहे हैं। ऐसे में बड़े ही ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा। हिंदू धर्म में वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या भागवत गीता, सभी जगहों पर गाय यानी कि गौ माता को देवी के रूप में पूजा जाता है। सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि गाय यानी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अक्सर मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ मित्रों कि यही गौ माता सड़कों पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। और कई बार यही गौ माता जो है ना, वो सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है खाने की तलाश में, और जब इनके पेट की भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो मारे भूख के जो भी इनको नजर आता है, जैसे कि प्लास्टिक थैलियां, जूते चप्पल, डिस्पोजल पत्तल धोने, पॉलीथीन या फिर कपड़े वगैरह, जो भी इनको नजर आता है वो खाती है ये, और इनके पेट में ये सब कचरे के रूप में जमा हो जाता है। जब इनकी मात्रा या क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर इनका पेट दर्द होने लगता है और इनकी आंतड़ियां खराब हो जाती है, और दर्द से परेशान होकर यही गौ माता बड़े ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। जब ये मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। मैं रोने लगता हूँ, लेकिन आखिर मैं करूँ तो भी क्या। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे ना, वो कभी भी भूखी नहीं रहे, हमेशा इनको भरपेट चारा, पौष्टिक आहार मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष एंड वास्तु के नाम से, इसके ऊपर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11 रुपए, 21 रुपए या 51 रुपए या फिर 101 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप अपने श्रद्धा अनुसार इसके ऊपर दान जरूर कीजिएगा। 11, 21, 51 रुपए का दान गौ माता के नाम। मित्रों, आपका जो ये पैसा है ना, वो किसी भी गौ माता को एक समय का हरा चारा, पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा सकता है, और उससे आपको इतना बड़ा पुण्य मिलेगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। क्योंकि जिंदगी में सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ अगर कोई भी दान दिया जाता है ना, तो उसका आपको इतना ज्यादा फल मिलता है, कई हजार गुना आपको वापस से लौट कर मिलता है। चलिए जानते हैं मित्रों साल 2023 की सबसे भाग्यशाली राशियों के बारे में। तो सबसे पहली राशि का नाम आता है तुला राशि का। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। और साल 2023 के लिए तुला राशि जो है ना, वो प्रेम, भाग्य और महिमा पाने की उच्चतम क्षमता वाली राशि है। यानी कि 2023 में तुला राशि वालों की जो किस्मत है वो एकदम से चमकने जारी है। इनको अपने जीवन में साल 2023 में हर एक वो खुशी हासिल होगी, हर एक वो चीज हासिल होगी जिसकी ये कल्पना करते हैं। और वार्षिक राशिफल के अनुसार तुला राशियों के लिए जो साल 2023 है ना, वो काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। इसके साथ ही तुला राशि वाले नए साल में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। बात करें आपकी आमदनी की यानी कि आपकी इनकम की, तो आने वाले साल में तुला राशि वालों को कई नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। नई नौकरी और रोजगार का सौगात भी आपको मिल सकता है। बिजनेस में आपकी जो आमदनी है वो अनुकूल रहेगी, और इससे कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। अगर आप खुद का काम करते हैं और आपकी तुला राशि है ना, तो साल 2023 में आपका जो व्यापार है, आपका काम धंधा है, वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपको स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा और आपको लगातार उनकी कृपा मिलती रहेगी। और वहीं अगर आप किसी के यहाँ पर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो भी आपके लिए जो साल 2023 का समय है ना तुला राशि वालों के लिए, वो काफी अच्छा और फायदेमंद रहेगा। आपको अपने काम में विशेष रूप से सफलता मिलेगी और आपके जो बॉस है, आपके उच्च अधिकारी है, वो आपके काम से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट होंगे। कहीं ना कहीं साल 2023 में आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी, और आप अगर अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी ये तलाश भी पूरी हो जाएगी। अगर आप नई नौकरी और रोजगार की सौगात कर रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। बिजनेस में आमदनी मन के अनुकूल होगी और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। आपके पति पत्नी के बीच अगर आप विवाहित है, तो कोऑर्डिनेशन लगभग सही बना रहेगा। चलिए अगली भाग्यशाली राशि की बात करें, तो वो आती है सिंह राशि।
जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। और वार्षिक राशिफल के अनुसार सिंह राशि वाले लोगों के लिए आने वाला साल खुशियों से भरा रहेगा। बीच बीच में कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जातक के द्वारा दिए गए कार्यों में गलतियों की संख्या न के बराबर होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी और दूसरे लोग आपकी सराहना करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे ना, उस मेहनत के अनुरूप आपको लाभ मिलेगा। इस बात के प्रबल योग बने हुए हैं। स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद और कृपा मिलने वाली है। साल 2023 जो है ना, वो सिंह राशि वालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप अविवाहित है तो इस साल नए साल में दोस्तों आपका जो विवाह होने के चांस काफी अच्छे रहेंगे। अगर आप खुद का काम करते हैं ना, तो इस बार आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन इस बार जो आप जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, लाभ कमाओगे ना, ये साल आपके लिए हमेशा याद रहने लायक होगा। आप सोचोगे कि यार किसी गुरुजी ने मेरे को बताया था कि साल 2023 में सिंह राशि वाले की जो है ना वो किस्मत एकदम से पलटने जा रही है। तो वहीं अगर आप नौकरी भी करते हैं ना, तो नौकरी में जो आपका समय है वो काफी अच्छा और उत्तम रहने वाला है। आपके बॉस जो है वो आपके काम से संतुष्ट होंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन होगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी जबरदस्त रूप से आपको तरक्की देखने को मिल सकती है। और अगर आप विवाहित है तो पति पत्नी के बीच अगर आपके रिश्ते बहुत दिनों से खराब चल रहे थे, तो लगभग इस नए साल में उन रिश्तों में सुधार होगा। चलिए जानते हैं साल 2023 की अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले मित्रों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं मित्रों जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल यानी कि किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगर आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी आप स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरु जी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, कुंडली देखना या कुंडली बनवाना फ्री नहीं होगा, इसके लिए गुरुजी को 251 रुपए बतौर दक्षिणा के देने होंगे। आपकी जो भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके घर में धन की हमेशा कमी बनी रहती है, आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, या संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है, अगर कुछ भी समस्या है तो आप हमारे ज्योतिष आचार्य से अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि आखिर आपके ग्रहों की स्थिति में क्या दोष बना हुआ है और उसका समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप पर ये जो स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करें और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानिए। चलिए साल 2023 की अगली भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है वृश्चिक राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ना नी नू ने नो या ये या फिर यू से शुरू होता है या तो से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। और साल 2023 के भाग्यशाली राशियों की सूची में वृश्चिक राशि का नाम भी शामिल किया जाता है। ऐसे में आने वाला नया साल 2023 इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास साबित होगा। वार्षिक राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि से संबंधित जातकों को आर्थिक लाभ के साथ साथ नौकरी और व्यवसाय में भी लाभ मिल सकता है। यानी कि जिनकी भी वृश्चिक राशि है ना, उनको साल 2023 में धन संबंधी कोई भी परेशानी या नुकसान जो है ना वो नहीं होगा। इस नए साल में आपको विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, जो कि आपके लिए पूरा लाभकारी साबित होगा। आप नया मकान या जमीन वगैरह खरीद सकते हैं, नए वाहन का सपना भी नए साल में आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो नए साल 2023 में वृश्चिक राशि वालों का विवाह होने का योग जो है वो प्रबल रूप से बना हुआ है। और वहीं अगर आप कुंवारे हैं, वो किसी के साथ अगर रिलेशन में हैं, तो आपके रिश्तों में सुधार होगा। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में भी पति पत्नी के बीच अगर कोई भी खटपट चल रही थी तो वो साल 2023 में लगभग कम हो जाएगी। नौकरी में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी, खुद के व्यवसाय में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। चलिए साल 2023 की अगली और अंतिम भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके
के नाम का पहला अक्षर क की कु बड़ा ग छ के को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए जो आने वाला नया साल है ना 2023 वो काफी ज्यादा भाग्यशाली माना जा रहा है। इस नए साल में मिथुन राशि के लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे इसकी प्रबल संभावना है। साथ ही मिथुन राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष रूप से उन्नति प्राप्त हो सकती है। आपकी इनकम के नए नए स्रोत आपके सामने खुलेंगे। मिथुन राशि वालों को भरपूर सफलता भी प्राप्त होगी और इसके संकेत मिल रहे हैं व्यापार और प्रेम में भी आपका आने वाला जो साल है ना नया साल वो काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो नए साल 2023 में आपको अपने व्यापार में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो भी आपके लिए नया साल 2023 जो काफी अच्छा जाने वाला है। आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा और नए साल 2023 में जो समय है ना वो काफी अच्छा और आपके फेवर में रहने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने के योग भी प्रबल बने रहेंगे और आपके रिश्तों में भी सुधार होगा। वैसे मित्रों अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है ना तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताएगा ताकि हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजन जो है वो आपको अपने राशि के बारे में जानकारी दे सके। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।